जोहार, मैं हूँ वर्षा और आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जायका झारखंड का। में हम सभी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम जायका झारखंड का में धरती से जुड़ी हर चीज़ों को आपके सामने पेश करें। और आज वैसे ही हम आए हुए हैं मांडी एडपा कैफे में, तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारी रसोई में आज हमें क्या परोसा जा रहा है। डिफरेंट नाम है और ये जो प्लेस है ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। और आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सुमंगल नाग जी। जोहार। तो मैं इनसे सबसे पहले आपको जोहार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है और अंदर भी जैसे मैंने विजिट किया तो कुछ दूसरे कैफे से बिल्कुल हटके है। असल में जो कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा लंबा कहानी भी है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जितने भी फूड्स यहाँ पॉपुलर हैं कैफे में, वो ज़्यादातर या तो बाहर के चाइनीज़ फूड हैं या फिर यूरोपियन फूड्स हैं या इंग्लिश फूड्स हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कैफे में। जी जी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वाई नॉट यहाँ का जो इंडिजिनस फूड्स है उसको लेके हम लोग कैफे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम घर घर में तो सबको छिलका रोटी बनाते हैं, उसका बनाते हैं या पीठा बनाते हैं, उसको भी मार्केट में लाएं और लोग जाने हमारे इंडिजिनस फूड। जी बिल्कुल। हाँ, जो कि मतलब घर पे जो नहीं बना सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, वो आपके कैफे में आके मेरे ख्याल से हर एक इंडिजिनस पीपल में, हर एक आदिवासी समुदाय में, मूलवासी में छिलका रोटी बनाते हैं, लेकिन उसको सही से मार्केट वो मार्केटिंग नहीं हो पाता। सही बात है। उसमें भी वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक है। बाकी जितने भी फूड्स हम देखते हैं चाइनीज़ फूड है या कुछ अदर भी जो हैं फूड्स, वो उतने ऑर्गेनिक नहीं है। हमारे खाने में ऑर्गेनिक शुरू से रहा है। हम लोग हर एक कुछ खेत से बाड़ी से लाते हैं और उसको हम लोग अपने किचन में यानी अपने मंडी अड्डा में बनाते हैं और उसको फिर हम लोग सबको परोसते हैं और बहुत हेल्दी फूड रहा है हम लोग का फूड में। और हर एक फूड के पीछे, हर एक खान पान के पीछे कहानी भी जुड़ी हुई कि हम लोग क्यों डुम्बू बनाते हैं, हम लोग ढुसका क्यों बनाते हैं, हम छिलका रोटी क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पे खाने के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि कहानी भी बताएं हम लोग खाने के साथ। बिल्कुल। और कंसेप्ट इसलिए भी डिफरेंट करना चाहें क्योंकि चाहते हैं कि हमारे जिस तरह से एक आदिवासी समुदाय या इंडिजिनस पीपल का जो पहचान है वो भाषा, हाशा भूसा के साथ में खान पान भी। तो उस खान पान का भी पहचान देना भी जरूरी है। तो मुझे ये बताइए कि मांडी एडपा का मतलब क्या होता है? मंडी मतलब सभी जानते हैं, मतलब आदिवासी समुदाय में, इंडिजिनस पीपल में, कि खाना होता है। एडपा का मतलब घर होता है। अच्छा। असल मांडी एडपा मतलब खाना एंड एडपा का मतलब घर। तो हम जैसे आदिवासी समुदाय के वो तो ये जानते हैं नाम, बट हमारे जो अदर लैंग्वेज के हैं उनको बताना है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। और बाकी जो यहाँ पे आपके कैफे में जो ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या है? ट्रेडिशनल फूड्स में हम लोग ऐसे प्री ऑर्डर्स में तो हम जितने भी इंडिजिनस फूड हैं उसको हम लोग परोसते हैं, हम लोग सर्व करते हैं। अभी तो फिलहाल जैसे आपके लिए अभी आज हम लोग बनाएंगे, क्योंकि अभी मानसून का समय आ रहा है तो आप अभी देखेंगे तो रूड़ा मिलता है, मशरूम्स मिलता है, फिर दाल पिठा आपके लिए बनाया जा रहा है, फिर आपका मड़वा मोमो है जो कि हम लोग स्पेशलिटी है, और छिलका रोटी है। और प्री ऑर्डर्स में तो जितने भी खान पान हैं हम लोग हमारे समुदाय में वो सारा कुछ हम लोग बनाते हैं यहाँ। तो चलिए अब आगे आप मुझे कॉन्सेप्ट के बारे बताइए। कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये कैफे का, ये असल में 1965 का घर है। 1965 का घर है, देखिए। मतलब मेरे दोस्त कपिल टोप्पो जो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं जोएस, तो ये घर जो है वो कपिल टोप्पो का है और इनका दादी घर है। अच्छा। और ये बोला जाता है कि इस करमटोली गांव में पहला पक्का घर हुआ करता था। और जब हम लोग आके यहाँ देखे तो वो जो वाइब्स आता है इसमें, मतलब लगता है अपना सा घर सा, बिल्कुल अपनापन। हाँ, तो जो भी आए यहाँ बैठे तो उनको अपना घर जैसा लगे, ना कि लगे कोई हम बाहर में कहीं कोई
तो वेल फर्निश्ड कैफे में बैठे हुए हैं, यहाँ लोग आए बैठे सोशलाइज करें, इंटरेक्ट करें, अपने आइडियाज़ के साथ आए, बातें करें, कोई अगर म्यूजिक के बारे में बात करना चाहता है या फिल्म के बारे में बात करना चाहता है, आर्ट के बारे में बात करना चाहता है, शांति से बैठे इवन हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप भी कराते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं बच्चे से, पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वो सिखाते हैं। अच्छा, तो कैफे के अलावा इन सब चीज़ों का भी करते हैं, प्लस हम लोग जितने भी महिला समूह हैं उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं मंडी एरपा के तहत, जहाँ पे हम लोग हाउ टू केक बनाए। साथ में हम लोग एक कोशिश करें जो पहली बार होगा झारखंड में या अपने ख्याल से देश में पहली बार, कि हम लोग मड़वा रामेन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मड़वा नूडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो महिलाओं को हम लोग सिखा रहे हैं इस तरह से। और साथ में हम लोग कैटरिंग सर्विसेज करते हैं, जिसमें महिला समूह को ही हम लोग साथ में लेके चलते हैं, वो लोग कैटरिंग में हमें साथ देती है। और लास्ट हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी सर्व किया, काफ़ी पसंद किया यहाँ के आदिवासी खान पान। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सुमंगल जी महिलाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कैफ़े के अलावा महिलाओं को ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि मड़वा से कैसे कुकीज़ बनता, कैसे नूडल्स बनता है। और ये आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है इनकी। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके कैफ़े के किचन की ओर, और फिर वहाँ हम लोग देखेंगे कि आज हमें जायके में क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब हम आ चुके हैं किचन में, और किचन में हमारे साथ है पूजा जी। पूजा जी, आप बताइए कि अभी सबसे पहले आप हमें क्या बना के दिखाने वाली हैं? डुम्बू। डुम्बू, तो डुम्बू का नाम तो हमने बहुत सुना है, और आज हम डुम्बू को बनाते हुए भी देखते हैं कि डुम्बू कैसे बनाया जाता है। तो डुम्बू को बनाने में किन किन सामग्रियों का यूज़ किया जाता है, और प्रोसेस मुझे बताइए। थोड़ा सा पानी, उसको बॉईल किया जाता है, चिपके ना बोल के ऑयल डाला जाता है। अच्छा, पानी बॉईल किया जा रहा है कढ़ाई में, और उसमें ऑयल दिया गया है ताकि चिपके ना। तो डुम्बू किस चीज़ से बनता है? चावल आटा। चावल के आटे से, चावल के आटे को इसमें डाला जाएगा, और जो ऑयल है उसके कारण वो चिपकेगा नहीं। तो अब हमें कब डालना है चावल का आटा? अब खोल गया है, अब इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो पानी अब खोल गया है, और उस पर अब हम लोग चावल का आटा डालेंगे। इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए चलाना है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए और उसको मिक्स करते जाना। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और उसको चलाते जाना है। इसको कितने देर पकाना है? बस दो मिनट। तो इसको पकाने में 2 मिनट लगेंगे। बंद कर दिया है क्योंकि ये पक चुका है, और इसको अच्छी तरह से अब मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बाद में फटे नहीं। 2 मिनट के लिए ये आपको जब तक लगे कि मिले नहीं तब तक मिलाते रहिए, मिल जाएगा उसके बाद छोड़ देना। अब ये हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डुम्बू में फिलिंग्स हो चुका है, और इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? स्टीम करेंगे। स्टीम किया जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जो भी ट्रेडिशनल फूड है उसको स्टीम के थ्रू ही पकाया जाता है, हम अपने नागपुरी भाषा में बोलेंगे तो इसको भापा जाता है और उसके बाद इसको पकाया जाता है। तो ये अब हम लोग इसको स्टीमिंग करेंगे। देखिए, इसमें पानी गर्म हो चुका है, और स्टीमिंग के लिए ये जो बर्तन है इसमें इसको रख रहे हैं।
और इसके बाद इसको ढक देंगे ना? हाँ, इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तो ढकने के बाद हम लोग 15 मिनट वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या जो जायका आया है वो हम लोग बाद में चखेंगे। फिलहाल हम लोग 15 मिनट वेट करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डिश की ओर। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? एंजेला जी। एंजेला जी, आप हमें क्या बना के अभी दिखाने वाली है? जो हमारा दूसरा डिश है वो रुगड़ा। रुगड़ा, तो जैसे कि आप जान रहे कि मानसून भी नज़दीक है और रुगड़ा जो है वो हमें साल में बस मानसून के वक्त मिलता है खाने को, और आज हम लोग रुगड़ा ट्राई करेंगे। तो ठीक है एंजेला जी, हमें बताइए कि आप कैसे बना रही है रुगड़ा। पहले इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों का तेल, उसके बाद तेज पत्ता डालेंगे, प्याज, तेल गर्म हो जाए थोड़ा सा, तेल थोड़ा गर्म होगा उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे तेज पत्ता, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे प्याज भी काट के रखा हुआ है। तो तेल गर्म हो चुका है और उस पर अब तेज पत्ता डाला गया है, फिर प्याज डालेंगे उसके बाद। ये लगभग कितना प्याज काटा हुआ है? 4 बड़ा बड़ा। 4 बड़े प्याज काटे गए हैं, और ये देखिए लोग तेल में डाल रहे हैं इसको। रुगड़ा में भी मतलब बनाने में ज़्यादा प्याज यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग नॉनवेज में यूज़ करते हैं चिकन मटन में। तो ये प्याज पूरा लाल हो जाएगा फिर डालेंगे ना रुगड़ा को? जी, सुनहरा कलर आ जाए प्याज में उसके बाद हम लोग रुगड़ा डालेंगे, और रुगड़ा को भी लगभग पूरा लाल होने तक भूनना है ना? हाँ। तो अब प्याज लगभग सुनहरा रंग का हो चुका है और हम लोग उसमें डालेंगे रुगड़ा। तो ये डालिए, रुगड़ा के नाम से मुझे पहले से ही मुंह में पानी आ रहा है, अब बनने के बाद क्या करूंगी पता नहीं। इसमें अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जल्दी बन जाए। ये स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर रहे हैं हम लोग। नमक इसमें डालने के बाद इसमें वो रुगड़ा का जो पानी होता है वो थोड़ा छूटेगा, है ना? हाँ। इसको ढक्कन अभी ढकना है या ऐसे ही ढकेंगे? थोड़ा देर, थोड़ी देर ढकेंगे ना, ताकि वो पक जाए। फिर थोड़ा थोड़ा देर में फिर इसको चलाना होगा। हाँ, ताकि चिपके नहीं। तो ये मसालों में क्या क्या पीसे हैं आप? अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, अच्छा, थोड़ा गरम मसाला, और जीरा, जीरा गोलकी, धनिया नहीं, धनिया नहीं, जीरा गोलकी। हाँ। तो ये सब गोटा मसाला को पीसे हैं ना? हाँ। तो ये पूरा मसाला डालेंगे या कितना डालना है? जितना इसमें। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि ये देसी जो रुगड़ा जो है ये एक तरह से चिकन की तरह ही बनाया जाता है, और इसमें भी मसाला थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग नॉनवेज में यूज़ करते हैं तो रुगड़ा में भी उसको ये डालते हैं। और ये रुगड़ा में पूरा मसाला साथ में इसको भून लेना है अच्छी तरह से। तो अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे ना? है। कितना टमाटर है ये? तीन टमाटर, तीन कटे हुए टमाटर ऐड किया गया है इसमें, और पहले डाल दिया गया मसालों के साथ ताकि वो भी अच्छे से पक जाए और इसमें बिल्कुल गल के मिक्स हो जाए। और ये ढक के इसको रखा गया है, थोड़ी देर के बाद फिर ढक्कन हटा के इसको चलाया जाएगा। ढक्कन ढक दिए ताकि वो अच्छी तरह से अंदर में पक जाए। हमारा मसाला भुंजा के रेडी हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद खोल लेंगे।
पीसने के बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। ये देखिए ये रुगड़ा लगभग ये बन के पूरा रेडी हो गया है और इसमें अब हम लोग धनिया पत्ता ऐड करेंगे, है ना। वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जल्दी से जल्दी मुझे खाना है ये। तो चलिए ये हमें खाने का मौका मिलेगा बट थोड़े देर के बाद। तो रुगड़ा बन के कम्प्लीट है और इसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे गुलगुला। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले डिश की ओर और हमारा अगला डिश क्या है? गुलगुला। तो गुलगुला में हम लोग कौन कौन सी सामग्री यूज़ करेंगे? हम पहले थोड़ा सा सुसुम पानी लेंगे। अच्छा थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें गुड़ को डालेंगे पहले। अच्छा गुनगुने पानी में गुड़ को डालेंगे, मतलब जितना मीठा रखना है उस हिसाब से गुड़ डालेंगे। हाँ, बहुत लोग जैसे कम गुड़ मतलब कम मीठा खाते हैं तो कम गुड़ डालेंगे और जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो गुड़ इसमें पूरा घुल चुका है और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ये जो आटा है आटा ही इसमें ऐड कर देंगे। गुड़ को पहले पानी में हमने उसको डाला वो घुल गया, उसके बाद फिर उसमें हम लोग आटा डाले और ये सौंफ ऊपर से सौंफ डालेंगे फ्लेवर के लिए। सौंफ का भी एक अलग ही इसमें फ्लेवर आएगा, इसके लिए सौंफ का यूज़ किया गया है। ये देखिए इसको मिलाते मिलाते ये इस तरह का हमारा डो बन गया है और इसको तुरंत हम लोग बनाएंगे या इसको छोड़ेंगे हम लोग कुछ देर? कम से कम आधा घंटा छोड़िएगा तो अच्छा से फूल जाएगा और तुरंत में चाहिए तो हल्का सा आधा घंटा हम लोग इसको छोड़ देंगे तो गुलगुला फूला फूला बनेगा, है ना। तो हम लोग आधा घंटा वेट करते हैं तब तक हमारा डो सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है और ये बिल्कुल फूल गया है और इसका गुलगुला भी बहुत फूला फूला बनेगा। तो अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे, है ना। इसको हाथ से ही गोल गोल करके डाल रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए गुलगुला कितना फूला फूला बन रहा है। तो आधा घंटा जो डो को सेट किया गया उसके कारण गुलगुला बिल्कुल फ्लफी बन रहा है। ये आँच इसमें जो दिया है वो मतलब ज़्यादा फ्लेम रहेगा, आँच ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ऐसा तो ज़्यादा था तो ज़्यादा ही तेल बहुत तेल गर्म होने के बाद आँच हम लोग कम कर दिए हैं वरना गुलगुला जल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है गुलगुला का और बिल्कुल फुला फुला गुलगुला बना है, बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है ये। तो आज हमारे जायके की थाली सज चुकी है और जैसा कि हमने देखा कि कैसे दीदी ने बनाया सारा चीज, इसमें है डुम्बू, ये है गुलगुला और ये है रुगड़ा। तो और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लगा कि दीदी लोग पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ट्रेडिशनल फूड बना रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए अब हम चखते हैं आज का जो जायका है वो। तो ठीक है मुझे सर्व कीजिए। ये है रुगड़ा। रुगड़ा ऐसे भी खा सकते हैं या किसी रोटी चावल सबके साथ ही अच्छा लगता है। और ये है गुलगुला, देखने में ही सारा जो डिश बना है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस पहले इतना ट्राई कर लूँ, अच्छा लगेगा पूरा खा जाऊंगी। और ये है डुम्बू बस फिलहाल एक ही।
तो सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ डुम्बू, ये देखिए। और इसके अंदर जो फिलिंग किया गया था वो बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छे से पका हुआ है चावल का। और इसमें जो फिलिंग्स है वो अंदर पिघल चुका है गुड़ जो है, और बहुत ही जूसी दिख रहा है ये। सभी चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अंदर में मिक्स हो गया है, नारियल, गुड़, इलायची, सभी का टेस्ट बिल्कुल पता चल रहा है। बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। नेक्स्ट है ये गुलगुला, जिसे आटा से, आटा, गुड़ और सॉफ्ट से बनाया गया था। बहुत ही स्पंजी बना है, आधा घंटा इसको सेट होने के लिए रखा गया था, उस कारण बहुत ही स्पंजी बना है। बहुत ही अच्छा, इसमें जो मिठास है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाने पे वो डिश अच्छा नहीं लगता, बट बिल्कुल एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छा बना है ये। और नेक्स्ट चलिए लास्ट रुगड़ा, मेरा फेवरेट है। जैसे सीजनल फूड होता है वैसे ये सीज़न में ही मिलता है, हमें बरसात में ही खाने के लिए मिलता है। और अब तो मार्केट में रुगड़ा बिकना शुरू हो गया है, तो ये मैं चखती हूँ। बहुत ही टेस्टी है ये, तो मुझे चिकन का फील करा रहा है, बिल्कुल चिकन के जैसा बना है रुगड़ा, और बहुत अच्छे से पका हुआ है। सारे जितने मसाले हैं इसमें जो डाले थे आप, सभी मसालों का स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा है, और बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने चखा झारखंडी फूड के कुछ नए डिशेस को। जिस तरह आप वेट करते हैं हर फ्राइडे का, वैसे मैं भी वेट करती हूँ कुछ नए रेसिपी सीखने का। तो आप जायका झारखंड के साथ बने रहिए और देखते रहिए हर शुक्रवार शाम 4 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद, जोहार।